हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर या नींद ना आना, क्या ये एक बीमारी है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाकई में ये एक बीमारी है और इस चीज़ का पता हमें तब चलता है जब हम नींद के फ़ायदे और नींद ना आने से नुकसान को जान लें। तो नींद, इफ़ द स्लीप इज़ हेल्दी देन यू आर हेल्दी, ये एक सिंपल सी कहावत है कि अगर आपकी नींद हेल्दी है तो आप भी हेल्दी हो। और नींद हेल्दी कौन सी होती है? नींद वो हेल्दी होती है जब आप बेड में सोए और बहुत शांति से, बहुत पीसफुली, बहुत आराम से सोए। लेकिन अगर आपको बार बार करवट बदलते रहना पड़े या बार बार आपकी आँख खुल जाती है, नींद खुल जाती है, बहुत देर तक नींद नहीं आती है, तो ये एक नींद की बीमारी है। ऐसा होने से बहुत नुकसान होते हैं। अभी मैंने कुछ रोज़ पहले पढ़ा कि एक छोटे बच्चे के बारे में लिखा हुआ था जो 2 साल का हो गया था और उसने अभी तक ठीक से बोलना शुरू नहीं किया और ठीक से खड़े नहीं होना शुरू किया। डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में जान ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या। तब घर के ही एक डॉक्टर ने, जो नींद के बारे में पढ़ रहा था, उसने बताया कि इस बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है और यही कारण है कि इसकी सेहत इतनी ख़राब है। दोबारा डॉक्टर के पास गए, अपनी परेशानी बताई और जब डॉक्टर ने उस चीज़ को डायग्नोज़ किया, बच्चे के लिए नींद ठीक से आए, उसके लिए कुछ तरीके बताए, बच्चा ठीक से सोने लगा, तो विद इन 6 मंथ उसका बोलना भी साफ हो गया, उसका चलना भी ठीक हो गया और वो बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन हो गया। तो देखा आपने, नींद नहीं आने से कितना नुकसान होता है। आजकल हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, बस भाग दौड़, चिंता, परेशानी, और कुछ परेशानी हम अपने आप खरीद भी लेते हैं अपने लाइफस्टाइल के कारण। तो इन सब के कारण नींद, जो हमारी पीसफुल स्लीप है, वो नहीं पूरी हो पाती है। पीसफुल स्लीप होती है कि 7 या 8 घंटे आप चैन से सोएं, आराम से सोएं। अगर आप 4-5 घंटे से कम सोते हैं या 10-11 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, ये दोनों ही चीज़ें नुकसान वाली होती हैं। ज़्यादा सोना भी नुकसान वाला है, कम सोना भी नुकसान वाला है। एक तो नेचर ने इतना अच्छा साइकिल बनाया हुआ है कि दिन और रात बना दिए ताकि हम ऐसे भागते ना रह जाएं घोड़े की तरह से और सोना ही भूल जाएं। तो रात हो गई, मतलब हमें सोना है अभी, आंखों में नींद आनी शुरू होती है, फिर हम अपने बेड में पहुंचते हैं और 4-5 मिनट तक जब हम बेड में लेटे हुए हैं तो हमारे सारे फंक्शन जो हैं, ब्रीदिंग का है, हार्ट बीट का है, ये सब हल्का हल्का स्लो होते हैं और हम धीरे धीरे करके नींद में पहुँचना शुरू होते हैं। जब हम पूरी तरह से नींद में हो जाते हैं, 10-15 मिनट लगता है इसमें, तब हमारे जो बॉडी फंक्शनिंग है, जो मैंने हार्ट और ब्रीदिंग वगैरह बताया, ब्लड सर्कुलेशन बताया, ये रेगुलेट हो जाते हैं, एक नॉर्मल स्पीड में आ जाते हैं और उस हिसाब से फिर वो चलते रहते हैं और हम आराम से सोते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर यंग एज में कोई हार्ट अटैक से डेथ होती है तो उसका मेन रीज़न नींद की कमी हो सकता है। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो चलिए इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। हमारी नींद 4 स्टेज में पूरी होती है और इन्हीं 4 स्टेज में हमारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे एनर्जी सोर्सेज को एक्टिवेट करता है। पहले स्टेप में आंखें बोझल हुई, हम बेड पर पहुंच गए। दूसरे स्टेप में हमारे जो बॉडी फंक्शनिंग है वो हल्का सा, क्योंकि जब हम जाग रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इसमें हमारे सांस भी तेज़ चलती है, हार्ट बीट भी तेज़ चलती है और जब हम बेड में होते हैं तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके स्लो डाउन होती हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो होता है। ये सेकेंड स्लीप हो गई। इसमें एक, अगर हम एक समुद्र की लहर की तरह देखें तो पहले लहरें तेज़ होती हैं, फिर वो लहरें थोड़ी धीरे हो जाती हैं और फिर स्मूथ हो जाती हैं। ये 3rd स्टेज आ जाती है जिसमें हम आराम से सोते हैं। यहाँ पर आके स्टार्ट होता है हमारा रैपिड आई मूवमेंट। हम सो रहे हैं लेकिन हमारी आंखें बहुत तेज़ चलती हैं, अंदर आईलिड बंद हैं, उसके अंदर हमारी जो पुतलियाँ हैं वो चलती रहती हैं। इसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट या REM। ये लगभग, अगर आप का सोने का टाइम 9 बजे से है या 10 बजे से है, तो ये पीरियड आपका आता है 3 बजे के आसपास रात को। उस टाइम ये रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पर ही ज़्यादा सपने आते हैं और उस टाइम आप अपनी नींद में कहीं से कहीं तक घूम के आ सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल पता नहीं चलता, जब आप सुबह उठोगे तो आधी चीज़ें याद रहेंगी, आधी नहीं याद रहेंगी और एक मूवी की तरह, जिसको सपना आता है, मूवी की तरह चलता है और फिर वो बंद हो जाता है। ये हुआ रैपिड आई मूवमेंट का। अब जो मैं 1st स्टेज आपको बताया था, उसमें क्या है कि अगर हमें उस टाइम पर
छोटी छोटी आवाज से हमारी नींद खुल जाती है, आंखें बोझल हैं लेकिन कोई गाना तेज चल गया, हमारी आंख खुल गई, नींद दूर हो गई, तो वो दोबारा नींद आने में टाइम लगता है। दूसरी जो पोजीशन है जिसमें हमारी बॉडी रेस्ट करती है, सब कुछ रेगुलेट होता है, वहाँ पर आके नींद ठीक से आ जाती है, कोई हमें जगाएगा तो हमें पता चलता है हाँ हम सो गए थे, अब हमें जगाया गया। और जो तीसरा जो स्टेप है, थर्ड स्टेज जो आती है, उसमें अगर कोई हमें जगाता है तो हम बहुत झटके से उठते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद का टाइम होता है जिस समय हमारी रैपिड आई मूवमेंट स्टार्ट होती है, बहुत गहरी नींद उस टाइम पर होती है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, उसमें फिर हम अगले दिन की तैयारी के लिए धीरे धीरे करके हमारे अंदर के सिस्टम वापस नॉर्मली दिन की तैयारी के लिए शुरू कर देते हैं और हम फिर जागने की तैयारी शुरू करते हैं। तो इस तरीके से ये फोर्थ स्टेज में हमारी नींद पूरी हुई। यहाँ पर आके थोड़ी सी हमें खुद को अपने अपनी बॉडी के हिसाब से जानकारी की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ लोगों को 8 घंटे की नींद पूरी होती है, कुछ को 7 की, कुछ 6 में भी अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी के वो कितनी देर में आराम करके पूरी तरह से तैयार है अगले दिन के काम के लिए, और आप उसी हिसाब से हम अपना रूटीन बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर उससे कम नींद आ रही है तब हमें कारण ढूंढने पड़ते हैं, और कारण कई हो सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, या हमें नींद के लिए ठीक से जगह नहीं मिली है वो हो सकता है, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, या आगे के दिन की चिंता है। तो कई कारण हो सकते हैं जिससे हमें नींद अच्छे से नहीं आई। उन कारणों को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं, स्पेशली जब हम सेकंड स्टेज में होते हैं नींद के, तो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जो बच्चों में ज़्यादा रिलीज होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और बड़ों में भी रिलीज होते हैं ताकि उनके जो सेल्स का वेयर एंड टेयर है उसको रिपेयर करते रहें साथ साथ। तो अगर हमें नींद नहीं आएगी तो वो ग्रोथ हार्मोन नहीं होंगे, और ग्रोथ हार्मोन नहीं होंगे तो जो हमारा वेयर एंड टेयर हुआ है वो पूरा सही नहीं होगा, और हम हमेशा थके हुए से रहेंगे। स्टेज में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। वैसे तो कॉर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ इसका काम दूसरा है। यहाँ पर यह हमारी बॉडी के सभी एनर्जी सोर्सेज को मोबिलाइज करता है, एक्टिवेट करता है, और अगले दिन के लिए हमें एनर्जेटिक करता है। तो फोर्थ जो स्टेज की नींद है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब डीप स्लीप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अच्छी नींद आए उसके लिए क्या करना चाहिए, तरीका तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम अपने बेडरूम को सिर्फ बेडरूम ही बना के रखें, उसको एंटरटेनमेंट रूम नहीं बनाएं, उसको डाइनिंग रूम नहीं बनाएं, उसको कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाएं कि गप्पे मार रहे हैं बहुत देर तक और हा हा ये कर रहे हैं और फिर जब सोने की बारी आई तो हमें नींद नहीं आती है। मीन्स बेडरूम इज़ अ बेडरूम, आप वहाँ जाओ शांति से और सो जाओ। बेडरूम में लाइटें थोड़ा डिम रखें, अपने गैजेट्स जो भी आपके हैं, जैसे स्मार्टफोन आजकल बहुत डिस्टर्ब करता है, आईपैड, आईफोन बहुत बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो कोशिश करें कि आप शाम को 7 बजे के बाद, या एक टाइम बना लिया 8 बजे के बाद, अपनी कोई मेल चेक ना करें, ताकि कोई अगर उसमें ऐसा स्ट्रेस की चीज़ है उस मेल में तो आप रात को आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, आप अगले दिन सुबह उठ के उसको चेक करें और उसके लिए तरीके ढूंढें ठीक करने के लिए। तो उस चीज़ को आप 8 बजे से पहले देखें और उस 8 बजे के बाद कोई मेल चेक नहीं करें। बेड आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि थका हुआ शरीर कहीं भी आराम से सो जाता है, लेकिन अगर कंफर्टेबल कोजी बेड होगा तो नींद अच्छी आए। टीवी जो देखते हैं हम लोग, वो भी सोने के टाइम से करीब 1.5 घंटा पहले टीवी भी बंद कर देना चाहिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो कुछ देर के लिए किताब पढ़ लो, ताकि आपकी आंखों में नींद जल्दी आए। रात के टाइम कोई भी कॉफ़ी, चाय, ऐसी कोई कैफीन वाली चीज़ भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे नींद दूर हो जाती है। और कुछ लोगों को जिनको अल्कोहल की आदत होती है वो कहते हैं उससे नींद अच्छी आती है, लेकिन उससे भी नींद डिस्टर्ब होती है। जब उसका नशा कम होना शुरू होता है तो एकदम से नींद खुलती है और दोबारा नींद ठीक से नहीं आती। तो अल्कोहल भी लिमिट में रखना चाहिए अगर आपको आदत है, और बिल्कुल ना पिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने आप को दिन में एक्टिव रखना चाहिए। दिन में आप एक दिन में भी नींद का टाइम होता है, दिन में 1 बजे से 3 बजे के बीच में किसी भी एक टाइम आपको बहुत तेज़ नींद आती है, आपने भी महसूस किया होगा। तो उस टाइम अगर 5 से 7 मिनट का पावर नैप ले लिया जाए तो आपको एक्टिव रखता है। नींद के लिए 4 आवर्स आर मस्ट। सबसे पहले रेगुलराइज, अपनी नींद को रेगुलर बनाओ, इतने बजे से इतने बजे तक सोना है। रिचुअलाइज,
ये एक रिचुअल होना चाहिए। जैसे हम रिचुअल सारे बहुत अच्छे से करते हैं, निभाते हैं, उसी तरीके से हमें नींद का रिचुअल भी अच्छे से निभाना चाहिए। सोना है और पीसफुली सोना है, रिलैक्स। जब तक हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तो नींद कैसे आएगी? तो हमारा बेड कंफर्टेबल हो, दिमाग में वरीज ना हो, कोई चिंता नहीं हो, चिंता है तो उसे बेडरूम से बाहर छोड़ के सोना चाहिए, तभी हमें अच्छे से नींद आएगी। और लास्ट आर है रेसिस्ट, जो मैंने अभी बताया कि कैफीन वगैरह से, अल्कोहल से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें नींद नहीं आने देती हैं। तो अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि नींद कितना ज़रूरी है, और रिलैक्स होने के लिए प्रॉपर स्लीप लेते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, माइंड एक्टिव रहेगा। आई होप ये जो कुछ चीज़ें हैं ये कुछ काम की हैं, आपके भी काम आएंगी, आप इन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।